नमस्कार, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप देख रहे हो अंकित न्यूज। दरअसल मुसलमानों को पाकिस्तान भेजो, ये अधिकतर आप लोगों ने सोशल मीडिया पे सुना होगा। पाकिस्तान से मुसलमानों का प्यार है, भारत से नहीं है, ये आप लोगों ने सुना होगा। मैं 100% कह सकता हूँ कि यदि आप फोन चलाते हो, मोबाइल यूजर हो, इंटरनेट पे आप जाते हो, सर्फिंग करते हो, आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा। बकरीद का मामला था और एक ऐसा ही मामला उठा है जो कि बहुत गंभीर हो सकता था, लेकिन ऐन वक्त पे पुलिस ने आके कंट्रोल कर लिया और सब कुछ सही होने जा रहा है। यह मामला मुसलमानों से रिलेटेड है और पाकिस्तान से भी रिलेटेड है। खतरनाक बात यह है कि इसमें हिंदू का भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, और एक और खतरनाक बात यह है कि ये बकरीद के दिन हो रहा है, जब मुसलमानों का जमावड़ा लगा होता है नमाज पढ़ने के लिए या फिर अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। उस वक्त पे ऐसा होना कोई छोटी सी बात नहीं है। दरअसल ये कहाँ की बात है, तो सोलानपुर की बात है, ठीक है ना। अब ये कहाँ है, महाराष्ट्र के सोलानपुर में, ठीक है। यहाँ पे बकरीद का माहौल था, लोग नमाज वमाज के मौके पे जा रहे थे, नमाज वमाज पढ़ने, सब गैदरिंग हो रही थी, और वहां पे एक बंदा गुब्बारा बेच रहा था। अब ये सबको नॉर्मल लगा स्टार्टिंग में कि गुब्बारा बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, जहां पे गैदरिंग होती है वहां पे गरीब लोग आते हैं, कुछ लोग दान दक्षिणा मांगते हैं, यानी कुछ जो भी उर्दू में बोला जाता होगा उस टाइम पे, और कुछ लोग होते हैं जो सामान बेचते हैं, ठीक है, और वहां पे बिक्री भी बहुत काफी होती है। वैसे ही यहाँ पे बेचा जा रहा था गुब्बारा। अब गुब्बारा बहुत ही नॉर्मल था, लोग खरीद भी रहे थे, बट गुब्बारे पे एक चीज लिखा था, ठीक है, लव पाकिस्तान। अब आप समझ सकते हो लव पाकिस्तान, ये मामला बहुत ही गंभीर है एक तरीके से, क्योंकि उस वक्त पे आप समझ सकते हो कि जहां पे मुसलमानों की गैदरिंग है, ठीक है ना, वहां पे लोग जा रहे हैं। एक तो पहले ही अफवाह चलती रहती है इंटरनेट पे कि मुस्लिम्स को अधिकतर प्रेम है पाकिस्तान से, ठीक है, पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो यहाँ पे भी हो जाता है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। ये मेरा कहना नहीं है, जो सोशल मीडिया पे चलता रहता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं मुसलमानों को कोई टारगेट वार्गेट नहीं कर रहा हूँ, ये मत सोचिएगा, ठीक है। यहाँ पे यही हो रहा था, लेकिन बेचने वाला हिंदू व्यक्ति ही था। अब आप समझ सकते हो, अब जब लोगों ने, मुसलमानों को कुछ को पता चला होगा, कुछ लोगों ने इग्नोर भी किया होगा, लेकिन कुछ लोगों को पता चला होगा, तो वहां पे बुला ली गई पुलिस, क्योंकि मामला भड़क सकता था। आप लोग जानते हो कि जब भी ऐसे माहौल आते हैं जहां पे अपोजिट कोई रिलीजन वाला आके कुछ गलती करता है, चाहे वो भले ही मुस्लिम हो, हिंदू हो, या फिर सिख हो, या फिर कोई भी हो, एनीवन, वहां पे मामला ज्यादा भड़कता है। यहाँ पे गुब्बारे बेचने वाले को तुरंत आकर के पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया, ठीक है। अरेस्ट करने के बाद क्या, क्यों अरेस्ट किया, देखिए उस गुब्बारे पे लिखा हुआ था लव पाकिस्तान, क्या वो वहां पे लव अमेरिका लिखा होता तो भी अरेस्ट करा जाता, बात आता है ना, क्योंकि देखो ये हमारी फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है ना। और एक और है कि हम अगर किसी भी बाहरी, आउट ऑफ कंट्री, कोई भी देश को लेकर के जय बोलते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं पाकिस्तान को जय, या फिर हम बोलते हैं कि किसको मैं बोलूं, अमेरिका को जय, या फिर रसिया को जय, तो क्या लॉ क्या कहता है कि आप अरेस्ट हो जाओगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर वो गुब्बारे वाले को क्यों ले जाया गया, बात आती है ना, कि जब आपने टी शर्ट्स बहुत देखे होंगे जिसपे अमेरिकन्स लिखा होता है और इंडियन पहन के घूम रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन ये टी शर्ट भयंकर तब हो सकता है जब टी शर्ट पे पाकिस्तानी लिखा हो, भयंकर भारत में हो सकता है। अब ये क्यों हो सकता है, थोड़ा सा इसको भी समझिए, लॉ क्या कहता है, और अगर ये कानूनी रूप से सही है कि आप बेच सकते हो, तो फिर अरेस्ट क्यों करा पुलिस ने, बात ये भी आती है ना कि अगर सही है तो पुलिस अरेस्ट क्यों की उसको, क्योंकि उसने तो कोई क्राइम करा नहीं था, वो तो बेच रहा था, जस्ट एक प्रिंटेड गुब्बारा बोल सकते हैं पाकिस्तान के नाम से। देखिए दरअसल बात यहाँ पे ये घूम फिर के आ रही है, मैंने पहले ही आपको बोला कि पाकिस्तान से माना जाता है मुसलमानों का कनेक्शन है नहीं, मैं जानता हूँ बहुत सारे मुस्लिम मेरे फ्रेंड्स हैं, बट ऐसा कहा जाता है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती रहती है कभी कभी ऐसी चीजें। यहाँ पे क्या हुआ,
उस टाइम पे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे नारेबाजी चलते रहते मुसलमानों के, ठीक है ना। और वहां पे ऑटोमेटिक उन नारों में से एक चीज आ जाती है, पाकिस्तान की जय। ये वाला नारा आप लोगों ने सुना है, पाकिस्तान का जब जयकारा लगा दिया जाता है। इसी को लेकर के लोग बोलते हैं कि मुसलमानों, क्योंकि जब मुसलमानों की गैदरिंग होती है तभी भी कभी ही ऐसा शब्द सुनने को मिलता है। तो इसलिए भी एक नैरेटिव टाइप में बन गया है कि जो भारतीय मुसलमान है वो पाकिस्तान को ज्यादा चाहते हैं या फिर जो भी है ये सब। लेकिन मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूं। यहां पे अब बात आती है कि क्या उन व्यक्तियों का क्राइम है अगर जो व्यक्ति पाकिस्तान लव वाला गुब्बारा बेच रहा है, तो क्या वो क्रिमिनल है? मैं कह रहा हूं नहीं है, ठीक है। अब क्यों नहीं है मैं समझाता हूं आपको, उसके बाद मैं बताऊंगा कि पुलिस ने क्यों अरेस्ट किया है। दरअसल बात यह है कि आप कोई भी प्रिंटेड चीज बेच रहे हो, कोई उसमें आपत्ति नहीं है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, पुलिस ने जो अरेस्ट किया है इस पर कुछ नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि फिर जब कुछ होगा ही नहीं तो अरेस्ट क्यों किया, मैं बताता हूं। दरअसल बात यह है कि यहां पे पाकिस्तान का नाम यूज किया गया था, जिस जिस इंटेंशन को मैं बता रहा हूं कि जो मुसलमानों की तरफ से झुकाव दिलाता है सोशल मीडिया कि भैया ये लोग पाकिस्तान प्रेमी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, वहां का माहौल बिगाड़ने की कोशिश इसको कहा जा सकता है। इस कार्य को जब ये बेचा जा रहा है तो इसमें ये भी देखा जा सकता है कि कोई बिचवा रहा है क्या, क्योंकि इससे मामले बिगड़ते हैं। ये एक्चुअल में माइंड को कंट्रोल करता है। यदि बोल दो वहां पे, एक तो पहले से ही लगा हुआ है कि मुसलमान का झुकाव है पाकिस्तान की तरफ, ठीक है, ऐसा नैरेटिव सेट है पहले से ही। और दूसरे में ऐसी चीज ले जाकर बेचना उनकी गैदरिंग में, और फिर सोशल मीडिया पे फैलता कि ये देखो ये लोग पाकिस्तान का लेके उड़ा रहे हैं वो गुब्बारा, एक नैरेटिव सेट होता और वहां पे दंगा भड़कना या फिर झगड़ा मार होना ये हो जाता, ठीक है। अब पुलिस क्या करेगी कि जिन लोगों को भी गिरफ्तार की हुई है उन पे धारा लगाएगी, जो भी होगा दंगा भड़काने वाला, या फिर उनका मोबाइल हिस्ट्री चेक करना, उसका बैकग्राउंड चेक करना, किसने वो गुब्बारे को प्रिंट किया है, ठीक है, और किस लिए प्रिंट किया है, सब कुछ इसको निकाला जाएगा। ये मामला बहुत ही लंबा होने वाला है। यानी ये प्रिंट की वजह से नहीं, अगर अमेरिका वहां पे लिखा होता, क्योंकि अमेरिका के नाम से तो कहीं सेट नहीं है माइंड में, ठीक है, तो अमेरिका आई लव अमेरिका, आई लव ये, आई लव वो सब चलता। बट यहाँ पे जहां पे पाकिस्तान की बात आ रही है और जिससे कि हिंसा भड़कने की चांसेस बन जाते हैं, इस बात पे पुलिस ने अरेस्ट किया और यहाँ पे 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है, ठीक है। 3 लोगों को अभी पुलिस ने अपने अरेस्ट में लिया है, हिरासत में लिया है। उनके बैकग्राउंड को देखा जाएगा, फोन डिटेल्स को देखा जाएगा, आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हर चीज निकाला जाएगा। हाँ, यदि कोई ऐसा कनेक्शन मिलता है जिसे कि किसी स्पेसिफिक बंदे ने कहा हो कि जाओ वहां पे बेचो ताकि ऐसे ऐसे प्लानिंग हो, दंगा भड़के या फिर कुछ भी, वो सब डिटेल्स से पता चल जाता है। पुलिस ये कहते हैं ना कि कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, तो यही पता करने की कोशिश की जाएगी। अगर ये इंटेंसली नहीं होगा, इंटेंशन नहीं होगा गंदा चीज कि दंगा भड़के या फिर कुछ भी ऐसे ही बेच रहा होगा, कोई प्रूफ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होने वाला, वो भी रिहा हो जाएंगे 3 लोग, ठीक है। लेकिन यदि मिलता है तो फिर तो कानून लपेटेगा ही। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जुड़े रहिए अंकित न्यूज के साथ।